वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि, आप देख रहे हैं गोल्डन रूल्स। ये मेरा चैनल है। अगर आप चैनल पे नए हो या ये वीडियो जो है पहली बार देख रहे हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, ताकि आने वाली वीडियोस का जो है इन्फॉर्मेशन आपको मिले टाइम पे। तो यहाँ पे जो है ये एक लर्निंग चैनल है। यहाँ पे हम मल्टीबैगर स्टॉक्स, स्विंग स्टॉक, इंट्राडे के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो, इंट्राडे लेवल्स और जो मल्टीबैगर बन सकते हैं ऐसे स्टॉक्स हम शेयर करते हैं, उनका एनालिसिस हम करके मैं करके यहाँ पे शेयर करता हूँ, जो कि एक लर्निंग पर्पज़ के लिए होता है। तो इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो ये मेरा चैनल का इंटरफेस है और ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने कल परसों हर एक दिन मैं एक एनालिसिस वीडियो डालता हूँ, जो कि मल्टीबैगर स्टॉक्स के लिए होता है या स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ स्टॉक होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ट्रेडन मैंने जब भी एनालिसिस जिस दिन मैंने अपलोड किया था, उसके दूसरे दिन ही लगभग 8% का जंप हमें देखने मिला है। और कल मैंने सोना कॉम जो है इसका एनालिसिस वीडियो शेयर किया है, और आज जो है मैंने एक शेयर मल्टीबैगर जो बन सकता है इथेनॉल इंडस्ट्रीज़ का, जो कि इथेनॉल का न्यूज़ अभी मार्केट में चल रहा है, तो मैंने एक मल्टीबैगर बन सकता है, ऐसा मल्टीबैगर रिटर्न हमें मिल सकता है, ऐसा एक स्टॉक मैंने दिया है जिसमें अच्छा खासा पोटेंशियल मुझे दिख रहा है एनालिसिस के हिसाब से, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। तो वो मैंने शेयर किया है मेरा एनालिसिस, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मैंने हैप्पीएस्ट माइंड का भी एनालिसिस वीडियो डाला है, आईएक्स का डाला हुआ है, उसके बाद मरीन इलेक्ट्रिकल्स का जो डाला हुआ है वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं एंड स्क्रीन और आई बटन पे इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो कल निफ्टी बैंक निफ्टी का मंडे का ट्रेड सेटअप क्या होगा, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले, तो आज हम वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। उससे पहले आप मेरे टेलीग्राम पे अगर नहीं जुड़े हो अभी तक, तो आप ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये गोल्डन बुल्स नाम से है, और यहाँ पे हम इंट्राडे के लेवल्स, कुछ इंट्राडे स्टॉक्स होते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स में प्रोवाइड करता हूँ, कुछ कॉल्स में प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन ये सब जो है एनालिसिस मेरा है, इसलिए ये एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होता है, ये डिस्क्लेमर दे दूँ पहले मैं। तो फ्राइडे के दिन मैंने ये वाला जो स्टॉक है ये दिया था, जो कि एक मिनट, ये वाला स्टॉक मैंने दिया था, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ उसका, आरती इंडस्ट्रीज़ मैंने दिया हुआ था 643 के नीचे इसको सेल कर सकते हो। ये मैंने क्लियरली लेवल ड्रॉ करके मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाला था, तो इसने लगभग अगर देखेंगे तो 620 का लो लगा चुका है, ये वाला 620 का लो लगा चुका है 643 से 620, ये वाला लो ये लगा चुका है। और कुछ मैंने जैकपॉट कॉल्स भी दिए हुए थे, ये श्योर शॉट कॉल्स थे निफ्टी के, उसके बाद में 643 से 622 आरती इंडस्ट्रीज़ ने लो लगाया, तो जो मैंने यहाँ पे सेलिंग का पॉइंट दिया था यहाँ से लेके यहाँ तक 622, लगभग इसने 20 से 22 पॉइंट हमें गेन इसमें देखने मिला है। और ये मेरा एनालिसिस वीडियो है, जो कि वेरॉक इंजीनियरिंग जो है वो स्विंग ट्रेड मैंने अभी शेयर किया हुआ है, उसके जो इंपॉर्टेंट बाइंग लेवल से ये मैंने दिया हुए है, और सोना कॉम्स का जो है मैंने आज ये अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस, वीकली एनालिसिस क्या कहता है, कौन से लेवल अपने लिए इंपॉर्टेंट होने वाले मंडे सेटअप के, मंडे ट्रेडिंग सेटअप के लिए। तो अगर देखेंगे बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी लगभग ये वाला जो रेंज है एक महीने का ये पूरा टोटली रेंज है, मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, जो कि लेवल है 47,200 से लेके 48,300, मतलब ये जो है 47,300 से लेके 48,300 1000 पॉइंट का ये जो रेंज है ना, मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, बाइंग सेलिंग आ रहा है, फिर बाइंग आ रहा है, फिर सेलिंग आया। यहाँ पे अब अगर ये वाला कैंडल देखेंगे, इंटरेस्टिंग कैंडल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सेल ऑफ आया था इसको बायर ने डोमिनेट करके ऊपर लेके गए हैं, सेलर्स को डोमिनेट किया है, तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं बुलिश थोड़ा सा साइन मुझे लग रहा है। यहाँ से एक मार्केट रेंज से बाहर जब निकलेगा मंडे से, तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव हमें देखने मिल सकता है। तो ये वीकली कैंडल था
बैंक निफ्टी का, तो चलिए अभी डेली में भी देख लेते एक बार। अगर डेली में भी अपन देखेंगे ये वाला जो है 1000 पॉइंट का एक रेंज है, इससे अभी अभी मार्केट बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जैसे वीकली कैंडल का क्लोजिंग हमें मिला है तो थोड़ा सा बायर्स ने नीचे से पुश करके क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर दी है, अच्छी खासी क्लोजिंग दिया है। तो वहाँ से मार्केट अगर वीकली कैंडल का ये जो है ये इसके क्लोजिंग प्राइस जो है, ओपनिंग प्राइस जो है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो बुलिश मानेंगे, और इसके नीचे अगर निकलता है तो हम बेरी साइड में पोजीशन लेंगे। लेकिन जहाँ तक दिख रहा है तो थोड़ा सा बुलिश ही दिख रहा है, तो हमें इंट्राडे में कौन से लेवल देखने ज़रूरी है वो देख लेते एक बार। हमने एक बार वीकली और डेली देख लिया है, तो 15 मिनट से ज़्यादा मैं 5 मिनट जो है प्रेफर करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लेवल्स जो है ड्रॉ करके रखे हुए हैं मेरे, ये अभी तक वैलिड है जो कि अभी तक चल रहे हैं। मैंने पीछे ही ये वाले लेवल जो है ड्रॉ किए हुए हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हो पिछले वाले एनालिसिस वीडियो में, जहाँ पे हमारा एकदम परफेक्टली टारगेट और आ चुका है। टारगेट जो है इंट्राडे लेवल के जो टारगेट देता हूँ मैं, वो हमारे आज आ जाते हैं। तो ये मैं इसको फॉरवर्ड आगे ले लेता हूँ। ये वाला है जो है, ये वाला एक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, जस्ट अ मोमेंट। मैं एक बार इसको यहाँ पे ले लूँ, प्लेस कर दूँ, तो थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट इधर उधर इधर उधर हो सकता है, तो उसको समझ लीजिएगा। जहाँ पे है अभी अगर देखेंगे बैंक निफ्टी में, अगर आपको ट्रेड सेटअप देखना है तो कल के लिए हमारा जो ट्रेड सेटअप होगा, तो मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ और 48,000 का लेवल अगर होल्ड करता है और यहाँ से बाउंस करने की कोशिश करेगा, तो आप एक पोजीशन जो है यहाँ से बना सकते हो बुलिश साइड के लिए, जिसका लेवल रहेगा, मैं इसे प्राइस लेवल लगा देता हूँ, ये वाला जो लेवल है ना, यहाँ से आप एक 48,200 के ऊपर जो है आप लॉन्ग कर सकते हो बैंक निफ्टी में। तो आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा ये 48,366 का ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, और ये सेकंड टारगेट जो है 48,480 का, ये वाला सेकंड टारगेट रहेगा। और उसके ऊपर अगर कुछ सस्टेन करता है मार्केट, तो ये ऊपर की लेवल है 48,732 का, ये वाला थर्ड टारगेट होने वाला है, अगर मार्केट बुलिश साइड अगर फ्लैट ओपन होके निकलता है तो 48,200 के ऊपर ही हम कोई पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे, या अगर सेफेस्ट आपको पोजीशन लेनी है तो 48,200 के ऊपर ही आप पोजीशन बना सकते हो। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे निकलता है, 48,000 के नीचे अगर कुछ देर सस्टेन करता है, या कोई 15 मिनट में हमें क्लोजिंग मिलती है मार्केट की, तो 47,809 ये वाला हमारा फर्स्ट टारगेट होने वाला है। उसके बाद अगर ये वाला जो डेलो है फ्राइडे का, ये अगर 800 का जो लेवल है ये अगर ब्रेक करता है, तो 47,582 ये हमारा सेकंड टारगेट, और 47,447 या 450 का आप थर्ड टारगेट लेके चल सकते हो डाउन साइड के लिए। तो हमें ये अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे निकलता है 48,000 के नीचे, तो ज़्यादातर ये जो है नीचे के साइड में तो प्रोबेबिलिटी कम लग रहा है, जैसे कि ये वाला सेलिंग जो आया था फ्राइडे के दिन, उसके बाद में जैसे इमिजिएटली वी शेप रिकवरी आया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर हमें स्ट्रांग दिख रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा ये सपोर्ट जोन है, तो यहाँ से मुझे लगता है कि मार्केट पॉजिटिव साइड ही ज़्यादा करके कल के सेशन में, जो मंडे का सेशन होगा, उसमें हमें देखने को मिल सकता है। तो ये वाला था हमारा ट्रेड सेटअप, ट्रेडिंग लेवल्स जो मंडे के लिए हमारे पास ऑलरेडी है, आप इसे मार्क कर सकते हो। तो एक बार निफ्टी देख लेते हैं हम। निफ्टी का अगर देखेंगे वीकली कैंडल्स, तो निफ्टी अगर देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यूशन में ट्रेड कर रहा है, तो निफ्टी में एक पुल बैक पेंडिंग है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो किसी भी कैंडल का लो जो है ब्रेक नहीं हुआ है अभी तक, और कहीं पे मार्केट ने हॉल्ट भी नहीं किया है। यहाँ से जो बुलिश
रन शुरू हुआ है तो हॉल्ट भी नहीं किया है, तो एक रिट्रेसमेंट कहीं ना कहीं निफ्टी में पेंडिंग है, लेकिन वो अभी तक आ नहीं रही है। तो ऐसा नहीं कि रिट्रेसमेंट आने के चक्कर में जब कब आएगा तो ट्रेड ही नहीं लेंगे, ऐसा नहीं करना है। तो हमें जब जैसे मार्केट दिखा रहा है प्राइस एक्शन, उस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे, कॉल्स के साइड भी लेंगे। तो निफ्टी कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे बुलिश दिख रहा है, तो निफ्टी अगर बुलिश मोड में चला जाता है मंडे के सेशन में, तो बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव साइड ही हो सकता है कि मूव करे, निफ्टी उसको पॉजिटिव साइड खींच सकता है। और अगर डेली के कैंडल्स अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक डोजी बना हुआ है, डोजी फॉर्म हुआ है। ये वाला जो है डोजी को कैसे ट्रेड करते हैं बहुत सारे लोगों को पता ही होगा। तो अगर मार्केट ये डेली कैंडल जो है 750 के अगर ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, पहले हम 5 मिनट का ले लेते हैं कैंडल, क्योंकि मैंने 5 मिनट में मार्क करके और रखा हुआ है इसका भी। तो हमें अगर बुलिश साइड में ट्रेड लेना है तो ये वाला लेवल जो है, ये वाले लेवल्स, इसको भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये 700 के लेवल पकड़ा, हाँ। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप, तो इसे मैं हटा देता हूँ एक बार, ये जो लेवल है, अगर कल निफ्टी जो है इसी जोन में अगर ओपन होता है और ऊपर की साइड में अगर निकलने की कोशिश करेगा, तो ये वाला जो लेवल है, ये वाला मैं मार्क कर देता हूँ, इसके ऊपर ही आपको बाई का ट्रेड देखना है, बाइंग के साइड पोजीशन बनानी है, जो कि लेवल है 21,730। ये वाला जो लेवल है इसके ऊपर ही आप बाई की पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ये हाई लगा है, क्लोजिंग जो है यहाँ पे हमें मिली थी, इस हाई के ऊपर ही आपको बाइंग करनी है। और जब मार्केट फ्लैट ओपन हो और यहाँ पे आके यहाँ पे ये मार्केट का क्लोजिंग दे, इस कैंडल 21,730 के ऊपर अच्छी खासी एक कैंडल हमें क्लोजिंग मिले, तो हम बाइंग साइड इनिशिएट कर सकते हैं। 750 का जो है ये हमारा फर्स्ट 56 55 का 21,756 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, जो कि मैंने यहाँ पे मार्क करके ऑलरेडी रखा हुआ है, ये वाला, सॉरी 750, ये डे हाई जो निकालेगा तो एक मूव हमें यहाँ तक देखने मिल सकता है, जो कि हमें लेके जाएगा 21,756। ये वाला हमारा होने वाला है फर्स्ट टारगेट। उसके बाद अगर देखेंगे ये वाला सेकेंड टारगेट जो है हमारा 800 का होने वाला है, 21,800 का ये हमारा होने वाला है सेकेंड टारगेट। और 800 के ऊपर अगर निकलता है तो ये जो ऑल टाइम हाई जो लगा चुका है मार्केट, ये वाला जो कि है 21,830, ये भी हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल सकता है, ये वाला, तो इसे भी मैं मार्क कर देता हूँ, प्राइस लेवल लगा देता हूँ इसके ऊपर। तो ये जो टारगेट है ये हमारे कल के लिए टारगेट होने वाले हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके यहाँ पे अपना ये जो कल का जो हाई फ्राइडे का जो हाई लगा चुका है, ये जो हाई लगा चुका है 21,730 का, इसके ऊपर अगर निकलता है तो मार्केट एक बार के लिए 21,756 ये फर्स्ट टारगेट, 21,800 सेकेंड टारगेट, और 21,836 ये थर्ड टारगेट होने वाला है हमारा बुलिश साइड के लिए। अगर नीचे की साइड मार्केट निकलता है तो नीचे की साइड के भी लेवल्स जो है मैंने प्रोवाइड करके रखे हुए हैं, ये जो मैं लेवल लेवल जो है प्राइस लेवल, इसको यहाँ पे ले लेता हूँ एक बार, तो आपके लिए आसान हो जाए। तो नीचे की साइड में ये वाले टारगेट्स हमारे होने वाले हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होने वाले हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में, अगर मार्केट बेरिश होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी निफ्टी में भी अगर देखेंगे तो ये जो फॉल आया था सेकंड हाफ में, तो वी शेप रिकवरी इसमें भी आई है और मार्केट ने कहीं ये होल्ड किया हुआ है लेवल, यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और इस लो के नीचे अगर निकलता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो है 21,600 होने वाला है, सेकंड टारगेट जो रहेगा हमारा नीचे के साइड के लिए 21,553 का, ये वाला हमारा सेकंड टारगेट।